नमस्कार, स्वागत है आपका टैलेंटेड इंडिया में। मैं हूँ स्वाति शेखावत। क्या आपको याद है 200 करोड़ वाली शादी? यदि आपको याद नहीं है तो हम आपको याद दिलवा देते हैं। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के उद्योगपति गुप्ता ब्रदर्स के बेटों की शादी हाल ही में उत्तराखंड की औली में हुई है। इस शादी में तकरीबन 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। साथ ही इसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी शिरकत की थी। इसमें करीबन 5 करोड़ फूलों का इस्तेमाल किया गया था जो स्विट्जरलैंड से मंगवाए गए थे। यह शादी तब चर्चाओं में आई जब पूर्व केंद्र मंत्री उमा भारती ने ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट किए। अब यह तो आम बात है कि नेता ट्विटर पर ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन इस बार उमा भारती ने ट्विटर पर कई सवाल उठाए, जिसमें उमा भारती का कहना था कि विदेश में रहने वाले कोई गुप्ता बंधु है जो अपने बच्चों की शादी के लिए भारत आ रहे हैं और इस शादी में उन्होंने जोशी मठ को चुना है। एक और भी ट्वीट करके उनका कहना था कि शादी में इस तरह के फूहड़ खर्चों के कारण नक्सलवाद बढ़ रहा है। वे यहाँ रुकी नहीं और उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के लिए ऐसे खर्चों पर रोक लगानी चाहिए। देश में कई शादियां हुई हैं जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। अब आप अंबानी के बच्चों की ही शादी ले लो, उसमें भी तो कितने करोड़ों का खर्चा हुआ था। लेकिन अब शायद यह बात है कि किसी ने उमा भारती को बताया ही नहीं होगा। खैर, ये सब तो हुई पुरानी बात, लेकिन इस बार ये शादी फिर से चर्चाओं में आई है। यह शादी इस बार शाही खर्चों के लिए नहीं बल्कि शाही कचरे के लिए चर्चा में आई है। अभी तक 150 क्विंटल से अधिक कचरे की सफाई की जा चुकी है। नगर निगम ने कचरे को साफ करने के लिए 20 कर्मचारियों को तैनात किया है। मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है और उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कचरे के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर 7 जुलाई तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को है। इस शादी को लेकर एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई है। इसमें कहा गया था कि शादी की तैयारी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।